लाइफ हैक्स का चैनल खोल लो भाई, कूड़ेदान के सामान से मास्क बनाने के असरदार तरीके। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लेजेंड बॉय हूज पर। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं सस्ती GTA 5। और गाइस, आज सस्ती GTA 5 में हम लोग कुछ बहुत ही अनोखा करने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे फ़ोन में एक डूबर नाम का ऐप है, लेकिन उस ऐप से ना गाइस हम लोग सिर्फ दो ही कार मंगवा सकते हैं। एक है फार्मूला 1 कार और एक है प्यूडीपाई की चेयर, और वो ज़्यादा लोग मंगवाते नहीं हैं। मैं हमेशा फार्मूला ही मंगवाता हूँ। लेकिन गाइस, लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं उन दोनों कार्स के बीच में कंपैरिजन, देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी कार ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा तेज़ चलती है या फिर ज़्यादा बेहतर है। सो गाइस, हम लोग की कंपैरिजन करने वाले तीन पॉइंट्स पर। वो तीन पॉइंट्स है लुक, स्पीड और स्ट्रॉन्ग। पहले हम लोग देखेंगे लुक, उसके बाद स्पीड देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन सी व्हीकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एक तरफ है फॉर्मूला 1 और एक तरफ है प्यूडीपाई के चेयर, जिसे प्यूडीपाई यूज़ करता है, बस उसकी यही पहचान है। लेकिन फिर भी गाइस, कंपैरिजन तो बनता है। तो गाइस, वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करो यार, मुझे 50 का तक पहुँचा दो जल्दी से, बहुत टाइम लग रहा है 50 का करने में। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं एयरपोर्ट क्यों जा रहा हूँ। बिकॉज देखो गाइस, एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुल्ला खुल्ला भी होता है। तो इसलिए ना गाइस, स्पीड चेक करने के लिए एयरपोर्ट बेस्ट है। यस गाइस, एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है और एकदम खुल्ला खुल्ला भी होता है, मतलब वहाँ पर कोई ट्रैफिक भी नहीं होता और ना ही वहाँ पर कोई मोड़ होता है। सो इसलिए ना गाइस, वहाँ पर ना स्पीड चेक करने का ना सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब वहाँ पर हम सीधा भगाते हुए जाएंगे, क्या कहते हैं, जैसे प्लेन टेक ऑफ होता है, हाँ क्या कहते हैं, हाईवे बोलेंगे हम उसको अभी के लिए, पता नहीं उसका नाम क्या है। तो उस हाईवे से मैं भगाते हुए ले जाऊंगा, और फिर गाइस हम लोग को दोनों व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड पता चल जाएगी, मैक्सिमम स्पीड कितनी है। क्योंकि देखो गाइस, एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब वो बेस्ट है यार। अगर आपको किसी भी व्हीकल का स्पीड चेक करना है ना, तो एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट पे वो हाईएस्ट स्पीड में जाएगी। ओके गाइस, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ बातों बातों में, और यार मैं एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता हूँ, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। यार क्या कर रही है हमारे दूरपुर की सरकार, कर क्या रही है, एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है, मतलब ये एयरपोर्ट पे खैर छोड़ा होता उससे मुझे क्या। और गाइस, अब आप लोग को पता चलेगा कि मैं एयरपोर्ट क्यों जाना चाहता था। देखो गाइस, ये कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा खुला भी है, मतलब अगर मैं रोड पे कंपैरिजन करता तो रोड पे रहता है ट्रैफिक या फिर मोड़ रहता है, तो मैं ठीक से कंपैरिजन नहीं कर पाता। लेकिन गाइस, यहाँ पे एकदम खुला है और ट्रैफिक भी नहीं है। सो गाइस, यहाँ से सोचो कितना अच्छे से कंपैरिजन होगा। सो अब मैं जल्दी से ये दोनों गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। आए है ठुक गए, चलो कोई नहीं। सो अभी मैं इस फार्मूला को फेंक देता हूँ, बिकॉज हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे एकदम फ्रेश फार्मूला के साथ। वो वाली फार्मूला थोड़ी ठुक गई थी और थोड़ी डैमेज भी हो गई थी, तो अब मैं एकदम फ्रेश फ्रेश फार्मूला मंगाऊंगा। और गाइस देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि मज़ा आ जाएगा स्पीड का कंपैरिजन करने में। तो मैंने ये मंगवा लिया फ्रेश फ्रेश फार्मूला, और अब मैं इसको जल्दी से खड़ा कर देता हूँ एकदम अच्छे से, जिससे कि ये सीधा जाए एकदम। गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला स्पीड चेक करने में, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने फार्मूला को खड़ा कर दिया है, और ये मैंने मंगवा ली प्यूडीपाई की चेयर, और अब इस चेयर को भी मैं यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ एकदम अच्छे से, ये सीधा की तरफ, हाँ ये बिल्कुल सही। यस गाइस, प्यूडीपाई की चेयर यहाँ पे खड़ी हो गई है, और आई थिंक कि अब तो प्यूडीपाई की चेयर चेंज हो गई है ना, अब तो वो चेयर यूज़ नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस, पहला राउंड था हमारा लुक का। एक सेकेंड, इसको थोड़ा आगे करो, तभी मेरे को अच्छे से लुक दिखाई देगा, नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो मैंने इसको आगे कर दिया। सो गाइस, पहला राउंड था हमारा लुक का। तो लुक में देखे तो गाइस, ये जो प्यूडीपाई की चेयर है, इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसका डिज़ाइन देखो, एकदम कटी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। कलर देखो, कलर ब्लैक और रेड में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन गाइस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस राउंड की विनर कौन है, ऑफ कोर्स फार्मूला है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ये चेयर की लुक बेकार है, चेयर का भी लुक अच्छा है। लेकिन गाइस, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला का लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है चेयर से। आप लोग भी मेरी बात से एग्री करोगे ना कि जो फार्मूला है इस चेयर से ज़्यादा अच्छी दिखती है। वैसे ये चेयर भी कुछ कम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है इसको। लेकिन गाइस, जो भी कहो, ये फार्मूला से अच्छी नहीं है, मतलब डिज़ाइन में फार्मूला से अच्छी नहीं है, इसलिए ये राउंड का विनर मुझे फार्मूला को ही रखना पड़ेगा। फार्मूला जीत गई वाला राउंड। सो गाइस, नेक्स्ट राउंड है हमारा स्पीड का, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, दिल थाम के बैठिए। और मैं अब ये चेयर की स्पीड चेक कर रहा हूँ, ये गई है अब तक 54 57 59। ओके, 59 से अबे आगे बढ़, अबे 59 से आगे नहीं बढ़ रही, अबे यार ये तो 59 से ज़्यादा जा ही नहीं रही है। क्या इस गाड़ी का बस इतना ही स्पीड है यार, ये तो बड़ा गलत बात है।
यार 59 ही स्पीड पर रुक गया। कोई बात नहीं गाइज, हम लोग इसको एक और बार चेक करेंगे, एक और बार। सो गाइज अभी हम लोग इसको एक और बार चेक कर रहे हैं और अभी भी ये 59 पे रुक गया है, मतलब 59 से आगे जा ही नहीं रही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला पक्का राउंड जीत जाएगी। 59 बस यार, छोड़ो हटाओ, अब क्या कर सकते हैं, यहीं तक गई है तो चल भाई फार्मूला अब तेरी बारी है। फार्मूला से गाइस मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मुझे पता है कि आप लोग को भी फार्मूला से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। सो गाइस इसने तो 59 अभी ये पार कर दिया और ये जा रही है 160 से ज़्यादा हो गई है, 170, 180, ओके 189 तक ये गई हाईएस्ट। लेकिन गाइस अभी ट्रैक ख़त्म नहीं होता ना, ये और जाती है तो ट्रैक ख़त्म हो गया। चल इसको हम लोग एक और बार करेंगे, इस बार देख रहे हैं 189 से ज़्यादा जाएगी, 189 से ज़्यादा। चल भाई चल, मेरी इज्जत मत डुबा। ओके 189 से ज़्यादा चली गई और 200 तक गाइस चली गई थी, 200 तक, बहुत सही। इसको मैं एक और बार करूँगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये 200 तक चली गई थी गाइस, मैंने कहा था ना इस ट्रैक पे कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही बड़ा ट्रैक है ये। और फिर से ये ऑलमोस्ट 200 तक चली गई थी। ओके गाइस अब लास्ट बार मैं करूँगा, एक लास्ट बार, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस एक लास्ट बार करूँगा, ठीक है, मैं मस्ती नहीं कर रहा, बस एक लास्ट बार करूँगा। ओके इस बार ये जा भाई, 200 से ज़्यादा जा, 200 से ज़्यादा जा। ओके गाइस ये 200 से ज़्यादा चली गई थी, यानी कि इस राउंड की क्लियर विनर है, क्लियर बिल्कुल सबको पता है कि इस राउंड की क्लियर विनर है प्यूडीपाई की चेयर। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, इस राउंड की क्लियर विनर है फार्मूला गड्डी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फार्मूला गड्डी कितनी ज़्यादा स्पीड थी, तो यार गाइस फार्मूला गड्डी ये राउंड जीत गई। और गाइस जैसा कि मैंने कहा कि हाँ एक तीसरा राउंड होगा, वैसे तो फार्मूला गड्डी ये मैच भी जीत चुकी है, लेकिन गाइस फिर भी तीसरा राउंड करने में क्या ही जा रहा है। ओके तो तीसरा राउंड था कि देखते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं अभी देखता हूँ कि ये फार्मूला कार कितने बुलेट्स में फटती है। अभी मेरी M4 में है 35 बुलेट्स, सो लेट्स सी कि ये फार्मूला कितने बुलेट्स लेती है फटने के लिए। 3, 2, 1 चलो देखते हैं कितने बुलेट्स लेती है। और इसने 35 MOs खाली कर दिया, चलो बढ़िया है, 35 MOs खाली हो गए। अब आई थिंक कि और ज़्यादा नहीं लगेगा या फिर लगेगा, क्या पता। ओके 70, ओके गाइस 35 + 35 70 MOs खाली हो गए। ओके ये 72, ओके 72 बुलेट्स, या गाइस 72 बुलेट्स में फार्मूला कदम निकल गया। 72 बुलेट्स याद रखना, मतलब आप लोग याद रखोगे, मुझे याद रखना पड़ेगा कि 72 बुलेट्स में फार्मूला कदम निकल गया, या गाइस। तो अब बारी है इस चेयर की, तो चेयर अब तू फटने के लिए तैयार हो जा। रुको पहले मैं ये गन खाली कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस गन खाली करना ज़रूरी है, मतलब 35 बुलेट करेंगी तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं ना होगा इस वजह से। ओके तो अभी हम लोग पूरे तरीके से रेडी हैं और मैंने इस पर मारना भी शुरू कर दिया है और इसने 35 बुलेट्स खा लिया, चलो बढ़िया है। और 35 आई थिंक इसको भी 70 बुलेट्स लगेगा, 70, ओके 70 खाली होकर उसमें आग लग गया है। लेट्स सी 72 73, ओके गाइस 73 बुलेट्स में ये गाड़ी भी फूट गई, मतलब गाड़ी नहीं चेयर फूट गई, और यार पुलिस आ गया। सो गाइस यानी कि इस राउंड का विनर है चेयर। चलो गाइस फाइनली ये हमारा कंपैरिजन ख़त्म हो गया और इस मैच का विनर है फार्मूला। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम प्यूडीपाई का चेयर कम से कम प्यूडीपाई का चेयर एक राउंड तो जीता, क्योंकि मुझे प्यूडीपाई बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ। तो यार मुझे इस बात की खुशी है कि प्यूडीपाई का चेयर एक राउंड कम से कम जीता, स्ट्रॉन्ग का राउंड। और अब मैं थोड़ा प्लेन चलाने वाला हूँ, मैंने बहुत दिन से ड्यूट था वॉर में, प्लेन नहीं चलाया। सो ओके टेक ऑफ हो जा, ओके हो गया, हो गया, मुझे लगा नहीं होगा, और ये हमने कर लिया बहुत ही सुहाना सा टेक ऑफ। सो गाइस इसी सुहाने टेक ऑफ के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, यार मतलब सब्सक्राइब कर दो ना, बहुत ही मतलब तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 50K करा दो ये जल्दी से, अभी 8000 सब्सक्राइबर चाहिए मैं 50K करने में, तो ये जल्दी से 50K करा दो। और गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे ब्लेड ऑफ कंट्रोल है, अरे अरे ब्लेड ऑफ कंट्रोल है, अरे फूटी गया मोटा भाई।